हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। होने भी अच्छी है तो हम भी बढ़िया है। तो गाइस, आज का व्लॉग हो रहा है स्टार्ट घर से, और कल हम घर आ चुके थे तो कल व्लॉग बना नहीं पाए, लेकिन आज व्लॉग पक्का बनाया है मैंने। और चलो आप चलते हैं आज खेत में हल लगाने। तो चलो आप वीडियो के साथ बने रहिए। मम्मी पापा चाची सभी यहाँ पर गेहूँ काट रहे हैं, और ये हमारा एक खेत है जिसमें बहुत ही मस्त वाले गेहूँ पक रखे हैं। और ये सरकोट गाँव का यहाँ से मस्त सुंदर व्यू आ रहा है। देख सो कितना बड़ा गाँव है सरकोट गाँव। और सभी लोग अपने खेत में हल लगा रहे हैं, हम भी हल लगा रहे हैं आजकल। तो हल वाले खेत में चलते हैं अब। और मम्मी पापा चाची सभी गेहूं काट रहे हैं, तो अब हम जहां हल लगा रहे हैं वो वाले खेत में चलते हैं। तो चलो चलते हैं वहाँ। भाई सभी चाचा भर खेत में बीज बो रहे हैं, और ऋषभ भाई ने बैल को काए हैं, और ये और हमारा खेत है जो कि पूरा इसमें हल लगा दिया है। और अब ये छोटा सा बचा है, इसमें भी अब हल लगाएंगे। और ये पूरा हमारे खेत है इसमें हल लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऋषभ आया पर हल लगा रहे हैं, ऋषभ आया हल लगा रहे हैं। कहाँ ले जा रहा है? मजा आया। हाँ। इसको मजा आ गया, इसको चक्कर आ गया। चक्कर आज तो आओ, आज नैतिक भाई के बाहर लाएंगे। आज नैतिक भाई तैयार हो ना? कमेंट करके जरूर बताना कि नैतिक भाई के बाल कैसे लग रहे हैं। और मैंने नैतिक भाई के बाल बना दिया है, और वैक्स लगा के बाल सेट भी कर दिया। आप ये दिखाओ, ये सब बना दिया। रुक जा रहा, हाँ थोड़ी थोड़ी सा थोड़ी सा। बस चलो, तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि नैतिक भाई के बाल कैसे। इधर देख देख कर भाई, हैंडसम लग रहा। अब तो भाई चेक करो, यहाँ पर हमारे बैल देव बना रहे हैं, और तेजू भाई, नैतिक भाई, वो सभी यहाँ पर गेहूँ को कूट रहे हैं। तो सुबह मैं चलता हूँ गेहूँ को कूटने, और ये जो सभाई आ गए हैं, सभाई अब बैल को अब सभाई बैल घुमाएंगे, और नैतिक भाई और तेजू भाई भी कूट रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ आपसे, देख मैं भी कूटता हूँ थोड़ी बहुत। लंबू को बिगाड़े हमारी गैंग को खट्टी हो चुकी है काफल जाने के लिए, और आज हम जा रहे हैं यहाँ पर शाम के टाइम पे काफल लेने। चुप रह रहे, ब्लॉग बन रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे चश्मे एक से टूटा है, और इस सबने क्या को बोतल ला रखे भाई, सबने बोतल ला रखी ना, और मैंने थैली ला रखी, मैंने थैली ला रखी। बाकी चलो चलते हैं, आप हमारे गैंग चलते से जंगल के लिए। देख सो हमारी गैंग क्या भाग रही है, और अब जाएंगे यहाँ सीधे काफल लेने जाएंगे, और काफल लेके आएंगे, कुछ खाएंगे, और घर वालों के लिए लेके भी आएंगे। और आप देख सकते हो मैंने क्या सब पहना है, देख रहा हूँ द्राक्षी वाला भाई अच्छा लग रहा हूँ ना, कमेंट में बताना यार। और ये चल रहे हैं, चलो अब हम चलते हैं। अब तो गाइस यहाँ पर हम पेड़ पहुँच चुके हैं, और उसमें बहुत ही काफल पका है, और डॉक्टर भाई भी यहाँ पर काफल को इकट्ठा कर रहे हैं, और हमारी पूरी गैंग यहाँ पर काफल इकट्ठा कर रही है। तो भाई नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो आप सीधे काफल देख सकते हो आप, मस्त हो रहा है घर। चेक करो भाई, देख सकते हो मैं कहाँ चला हूँ पेड़ में, और नितिन भाई मेरे नीचे हैं, और हम यहाँ काफल खा रहे हैं आराम से और मजे आ रखे हैं। और ये मेरी थैली जिसमें मैंने काफल बहुत ही कम भरे हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो रहे काफल इस पेड़ में। जंगल तो हम है नहीं, मतलब अपने घर से 2 किलोमीटर दूर है, और एक पेड़ मिला हमें, तो हम इसमें से काफल निकालने लगे। और मैं आपको जमीन से देखता हूँ कितने दूर हूँ मैं। ऊपर भाई हुई नितिन भाई नीचे जा रहा, ये जो सब है सभी, और यहाँ नितिन भाई आराम से काफल खा रहे हैं। हमें देख सकते आप,
पूरी गैंग घर के लिए ज्यादा बैठ गई है और पेड़ एक ही था तो हम ज्यादा काफी मिलाए खाया बस। और तेजु भाई ने ये जमा किए थे लेकिन इसका पूरा रस निकाल दिया और इस भाई ने लिया और सोचा तो डोर भाई ने यहाँ पर जमा किया है। कहा दिखा जरा, अरे सर दिखा देखो और सब कुछ दिखा दे। और यहाँ पर अंबानी भाई के यहाँ पर माँ छूट गई है तो नाराज़ हो चुके हैं मेरे से। और हमारी पूरी गैंग अब घर के लिए जाने के लिए तैयार हो गई है। चलो तो चलो चलते हैं अब सीधे घर, ठीक है। और भाई अभी आ चुका है हम गाइस, भी हम आ चुके हैं यहाँ पर हिसोली पॉइंट पे। और धीरू भाई अंबानी पता नहीं देख सकते कहाँ चढ़ के यहाँ से। और इस भाई भी यहाँ पर हिसोली कहा तेजु भाई और निशा यहाँ मैं खींच कर आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे धीरू भाई अंबानी यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। आओ भाई छलांग मारो सीधे, अरे छलांग मारो, क्या इज्जत रहेगी यार आपकी, लोग भी क्या बोलेंगे, हमारी हमारी ऑडियंस भी क्या बोलेगी यार। अब देखो यार कैसे आ रहे यार। और तेजु भाई बैठ खड़े होके तेजु भाई भी देख रहे हैं और निशा काफल खा रही आराम से। और यहाँ से झरना बह रहा है, गधेरा है, यहाँ किसने कितना कूड़ा फेंका है यार। चलो अब सीधे चलते हैं घर, आपको मिलते हैं घर जाके। मैं और तेजु भाई यहाँ पर आराम से बैठे हैं, मैं और तेजु भाई यहाँ पर बैठे हैं खड़े आराम से। और तेजु भाई पर इस पर लगते हैं शिव पत्र कपड़े, शिव बाबा के पत्र कपड़े। भाई क्या खा रहा है तू, क्या लिखा है बता, जरा बता दो क्या लिखा है। शिव पत्र है, मैं जो मैं वही बोल देना है। शिव संदेश हो क्या है, और मैंने आग बार के और चूल्हे पे चाय रख के और अभी सब्जी भी निकाली है। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बाय।